वहीं पीएम मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा ने यूपी में विजय उत्सव मनाया। भारी संख्या में जुटे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हम खुशी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहीं यह पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। आइए सुनते हैं इस दौरान भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस वक्त हम पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े और ताशे बज रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो जीत का जश्न मना रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश शर्मा मौजूद है। हम उनसे जानेंगे, सर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे देश में उत्सव का माहौल है, कार्यकर्ता भारी उत्साह में है। जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एनडीए का पुनः नेता चुना गया है और तीसरी बार उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जिस प्रकार से 10 वर्षों में मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाया है, हर क्षेत्र में देश ने विकास की यात्रा को तय किया है। गरीब कल्याण के काम हुए हैं, शोषित वंचित वर्ग के लिए बहुत काम किया गया है। इसको लेकर जब तीसरी बार जब देश पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहा है, इसीलिए लोगों में एक भारी उत्साह है। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे हमारे साथ और वो लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उनका बहुत ही अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जय श्री राम के नारों से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गूंज रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है जश्न का माहौल है और जो कार्यकर्ता है वो खुशी से झूम रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमकेएन न्यूज, लखनऊ।